हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ट्वेल्थ के पहले चैप्टर के पहले कंसेप्ट की, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। ये कुछ कागज़ के टुकड़े दिख ही रहे हैं, है ना? अगर इस कंघी को हम इस कागज़ के टुकड़ों के पास अगर हम लाएँ तो क्या हुआ इन टुकड़ों में? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर इस कंघी को मैं अपने बालों में रगड़ के तब इन कागज़ के टुकड़ों के पास लाऊं, तब क्या होगा? देखिए, कंघी ने क्या किया, इन कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, तो जो एंटिटी इस अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी एंटिटी है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कब? जब उन्हें रगड़ा जाए, या तो आपस में या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जो चार्ज के लिए सिंबल यूज किया जाता है वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू किया जाता है। अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 इस तरह से। जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो होती है कूलम्ब, कैपिटल सी से इंडिकेट किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम्ब का। इसी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, उसे हम स्मॉल ई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैरेक्टराइज करते हैं पोलैरिटी के टर्म्स में, ठीक जैसे कि हम इंसान अपने आप को कैरेक्टराइज करते हैं जेंडर के टर्म्स में। हमारे में भी दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। हमारे में भी मेल और मेल मतलब सेम जेंडर आपस में झगड़ा करते हुए देखे जा सकते हैं, है ना? और अपोजिट जेंडर्स में अट्रैक्शन होता है, ठीक वैसा ही चार्जेस में भी होता है। तो चार्जेस में भी पोलैरिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेम पोलैरिटी के चार्जेस जो हैं वो आपस में रिपेल होंगे और अपोजिट पोलैरिटी के जो चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब है कि सिंपल भाषा में अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो किसी बॉडी पे एग्जिस्ट करता है वो सिंपली इफेक्ट होता है उस बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अगर बॉडी पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। अगर बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो पॉसिबल है ना, वो बराबर होता है 1.602 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम्ब के, मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन के बराबर का। मीन्स सबसे छोटा चार्ज जो दुनिया में पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम एक सिंपल डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक सा डिवाइस होता है कंस्ट्रक्शन में। इसमें एक कंडक्टिंग रॉड होती है और दो बिल्कुल हल्की लाइट वेट सोने की पत्तियां लगी होती हैं, इसीलिए इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, अब है कि जैसे ही हम अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए या नेगेटिव चार्ज है मतलब चार्ज्ड है, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्कोप के इस कंडक्टिंग रॉड से टच कराते हैं तो चार्जेस जो होंगे वो इस कंडक्टिंग रॉड से होते हुए इन सोने की पत्तियों पे भी आ जाएंगे। चूंकि ये दोनों सोने की पत्तियां फ्रीली सस्पेंडेड हैं, है ना, और चूंकि दोनों सोने की पत्तियों पे जो है वो सेम पोलैरिटी के चार्ज आ जाते हैं तो सेम पोलैरिटी के चार्ज क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो यहां ये दोनों सोने की पत्तियां आपस में डिफ्लेक्ट कर जाएंगी।
ठीक है, तो थीटा यहां पे इंडिकेट करता है उस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा मतलब जितना ज्यादा थीटा का वैल्यू होगा मतलब उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज था उस बॉडी पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज अपीयर होगा वो अलजेब्रिक सम होगा सभी इंडिविजुअल चार्जेस के। इसको एग्जांपल से समझ लें, अगर कोई बॉडी पे टोटल इतने सारे चार्जेस हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज क्या अपीयर होगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम अलजेब्रिक सम करेंगे, मतलब सभी को साइन के साथ ऐड करेंगे मैथ्स के जैसे। तो पॉजिटिव चार्जेस को एक साथ ऐड कर लो, तो पॉजिटिव चार्जेस जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 13 कूलम्ब का। नेगेटिव को एक साथ ऐड कर लो तो टोटल मिला -7 कूलम्ब का। तो 13 और -7 जब ऐड होगा तो हमें मिलेगा प्लस में 6 कूलम्ब का। मतलब टोटल चार्ज जो इस बॉडी पे अपीयर होगा इन सभी चार्जेस के कारण वो होगा पॉजिटिव पोलैरिटी का और मैग्नीट्यूड होगा 6 कूलम्ब का। ठीक है, अब आगे बढ़ें। एक इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि चूंकि हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्जिंग के दौरान, या दूसरी भाषा में बात करें तो डिफिशियंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट होगा किसी भी बॉडी पे वो हमेशा होल नंबर्स में होगा इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब पूरा का पूरा 7 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन, है ना, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। मतलब आधा इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन, 7.5 इलेक्ट्रॉन, 1.7 इलेक्ट्रॉन, 9.8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। जब भी होगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे अगर आपको पैसे चाहिए और अगर मान लीजिए मैं दे रहा हूँ आपको और मेरे पास 10-10 रुपए के नोट हैं, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 2 रुपए की ज़रूरत है तो मैंने 10 का नोट थोड़ा सा फाड़ा और वो आपको दे दिया। जब भी दूंगा पूरा का पूरा 10 का नोट ही दूंगा। तो एक नोट की वैल्यू कितनी हुई, 10 रुपए। तो अगर मैंने आपको 3 नोट दिए तो वैल्यू कितनी होगी पैसे की, 3 × 10। अगर 10 नोट दिए तब 10 × 10, 15 नोट दिए तब 15 × 10, है ना। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम का, जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, ई से इंडिकेट करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई अमाउंट का। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी या एक्सेस क्रिएट होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा, 1e। अगर 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या डिफिशियंसी क्रिएट होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा, 5e, है ना। अगर 15 इलेक्ट्रॉन के कारण होगा तो 15e, 100 के कारण होगा तो 100 × e, है ना। अगर 1500 है तो 1500 × e, और अगर n इलेक्ट्रॉन है तब n × e, है ना। मतलब किसी भी बॉडी पे जो एक्सेस या डिफिशियंसी के कारण टोटल चार्ज पैदा होगा वो क्या होगा, हमेशा n टाइम्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होगा, जहां पे n क्या है, पूरा एक नंबर है, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 1.2, 7.3, ये सब नहीं, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई चार्ज के एग्जिस्ट होने की, कि ये हमेशा n टाइम्स ऑफ e ही होगा, है ना, जहां पे n क्या है, पूरा एक नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, फ्रैक्शन नहीं है, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। मैथ्स के हिसाब से बात करें तो q = ne, और ये कूलम्ब हो गया यूनिट। ठीक, तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात हो गई। पोलैरिटी की बात करें तो ये चार्ज का अमाउंट पॉजिटिव होगा अगर बॉडी पे डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की या बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। इस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का जो पोलैरिटी होगा वो नेगेटिव होगा, कब, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो बॉडी पे,
या फिर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, ठीक है। तीसरा जो होता है प्रॉपर्टी चार्ज का, वो होता है कंजर्वेशन, जिसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व होते हैं। मीन्स बिफोर चार्जिंग किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज बराबर होगा आफ्टर चार्जिंग टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम के। मीन्स अगर शुरू में सिस्टम पे जीरो चार्ज था तो बाद में भी जीरो ही होगा। शुरू में अगर 10 कूलम्ब चार्ज था टोटल, तो बाद में भी 10 कूलम्ब ही होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास है, मान लीजिए 10-10 रुपए के नोट में 100 रुपए, आपके पास है 0 रुपए, तो मैंने जब पहली बार आपको एक 10 का नोट दिया तो आपके पास कितना अमाउंट हो गया? 10। मेरे पास कितना हो गया? 90। तो टोटल कितना है? अभी भी 90 और 10 100 ही है। शुरू में कितना था? मेरे पास 0 था, आपके पास नहीं, मेरे पास 100 थे, आपके पास 0 थे, है ना। तब भी कितना था? 100 ही था, ठीक। अब अगर मैंने 3 नोट दे दिए तो मतलब मैंने 30 रुपए आपको दिए, मेरे पास कितने बचे? 70। तो अभी भी टोटल कितना है? 100 ही है, 70 और 30, ठीक है। मीन्स नया कुछ नहीं क्रिएट होता, ठीक है। यही बात चार्जेज में है कि टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बिफोर चार्जिंग इक्वल होगा टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझ लें इसको। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, बिफोर चार्जिंग दोनों पे 0-0 कूलम्ब का चार्ज था, तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम मतलब इन दोनों बॉडी को मिलाकर हम एक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा? इस पे चार्ज प्लस इस पे चार्ज, तो दोनों पे चार्ज तो 0-0 है, तो टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग कितना हो गया? 0। मान लीजिए ए ने 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए बी को, तो ए पे डिफिशियंसी हो गई, मतलब ए पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बी ने एक्सेप्ट किया, मतलब बी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? 15। तो इस पे 15e अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज, इस पे 15e अमाउंट का नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज अगर अभी भी देखें आफ्टर चार्जिंग, तो सिस्टम का टोटल चार्ज अभी भी कितना है? -15e +15e, 0 के ही बराबर है ना। मतलब बिफोर चार्जिंग भी 0, आफ्टर चार्जिंग भी 0, नया तो कुछ पैदा नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि चार्जेस कंजर्व हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स और चेक करते हैं, जिससे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें हम क्वांटाइजेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, जो क्या है? क्यू इज इक्वल टू एन ई है। क्यू है टोटल चार्ज, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, 1, 2, 3, 4, 10, 15, है ना, और ई है एलिमेंट्री चार्ज, मतलब 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक। तो अगर एन की वैल्यू हमको होल नंबर्स में मिल जाती है, मतलब कि वो अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जांपल्स देख लीजिए। मान लीजिए पहला चार्ज है दिया हुआ +413.316 × 10⁻¹⁹ कूलम का, तो प्लस है मतलब उस बॉडी पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखना है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एनी, एन कैसे निकलेगा? Q बाई ई। तो यही एन अगर होल नंबर हमको मिल जाए तो Q एग्जिस्ट करेगा। तो देख लेते हैं Q का वैल्यू कितना, 413.316 वाला लिख दिया, E का वैल्यू कितना होता है, 1.602 वाला लिख दिया। डिवाइड जब करेंगे तो -19 वाले टर्म्स तो कट जाएंगे आपस में, इसको जब 1.602 से डिवाइड करेंगे तो हमको पूरा 258 मिल जाएगा, मतलब चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, -54.4 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो यहां माइनस में चार्ज है, मतलब बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एन की वैल्यू यहां निकालिए, क्यू इज इक्वल टू एनी फॉर्मूले से, एन क्या हो जाएगा? क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू पुट की, ई की वैल्यू पुट की, यहां हम E की वैल्यू 1.6 ही ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह हम 1.602 लाए, ठीक है, हम 1.6 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो जब 1.6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको पूरा मिल गया 34, मतलब फिर से चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तीसरा एग्जांपल, माइनस में 0.801 वाला वैल्यू है ना, तो जब हम यहाँ n की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा 1/2, मतलब 0.5। तो ये तो फ्रैक्शन है ना, होल नंबर नहीं है, मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक और देखें, माइनस में 141.55 वाला वैल्यू, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 88.36 मिली, मतलब फिर से ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर में नहीं है, ये डेसिमल में है, फ्रैक्शन है ना। एक और वैल्यू चेक करते हैं, फॉर्मूला एग्जांपल जो है 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो ये सिंबल जो है वो होता है माइक्रो के लिए, इसका मतलब होता है 10 इनवर्स 6, तो 6 माइक्रोकूलम्ब है, मतलब 6 × 10 इनवर्स 6 कूलम्ब है। ठीक है, तो यहाँ क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, ये हमको ये मिला। तो देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लायर जो है 10 के पावर का वो तो 3.75 है, लेकिन 10 पे पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम 10 का पावर ये टर्म हम हटा दें तो इसके बदले में क्या होगा, ये डेसिमल 13 पॉइंट दाईं तरफ चला जाएगा, मतलब 375 पे 11 जीरो होंगे। तो ये तो पूरा कंप्लीट नंबर है ना, तो इस पॉजिटिव पावर ने इस डेसिमल के असर को खत्म कर दिया, तो ये नंबर जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करेगा, होल नंबर है ना, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, मतलब 6 माइक्रोकूलम का चार्ज एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, अब देख लें कि 1 कूलम्ब के चार्ज के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो क्वांटाइजेशन से q = ne, तो n कितना, q/e, मतलब 1/1.6 वाला वैल्यू रख दिया हमने, तो हमको मिलेगा 0.625 × 10⁻¹⁹, तो फिर से देखिए पॉजिटिव पावर है, तो इस डेसिमल वाली वैल्यू, डेसिमल के असर को ये खत्म कर देगा, तो ओवरऑल ये एक होल नंबर में हमको मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो पॉजिटिव पावर अगर 10 पे है तो वो इसके मल्टीपल को पूरा एक होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये 1 कूलम्ब वाले चार्ज में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वैल्यू को याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो देखिए 1 कूलम्ब के चार्ज के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, मतलब 625 पे 16 जीरो, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम चार्ज जो है वो या तो माइक्रो में लेते हैं, या पीको में लेंगे, या नैनो में लेते हैं, मतलब माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, पीको कूलम्ब, इस तरीके से। ठीक है,